वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाने वाले हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप जीके के लिए या करंट अफेयर के लिए इस क्लास को देख रहे हैं तो आपके परीक्षा में एक दो क्वेश्चन अवश्य आएंगे, इसलिए पूरा देखिएगा। आज यानी कि 26 जुलाई को मोदी सरकार ने यानी कि वर्तमान गवर्नमेंट ने आरटीआई संशोधन बिल को ध्वनिमत से पारित करवा लिया, वो भी जबरदस्ती पारित करवा लिया। जब संसद में मौजूद जो सदन थे वो काफ़ी हंगामा कर रहे थे और सदन में बाहर भाग गए, बैकआउट कर दिया, लेकिन फिर भी ध्वनिमत से ये जो है बिल पारित हो गया बहुमत के साथ। और इसमें क्या क्या बदला इसको पूरा देखिएगा, उसके बाद कुछ भी कमेंट करिएगा। आरटीआई एक्ट संशोधन के बारे में आपको बता दें, पहले इसके परिचय करवा देते हैं आरटीआई क्या है। जैसे कि अगर आपके गली मोहल्ले में या फिर आपके शहर में कोई सरकारी निर्माण कार्य चल रहा है या हुआ है और उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती, तो आप सरकार को पत्र लिख करके ये सूचना ले सकते थे कि इसको कौन बनवाया था, कितना खर्चा आया था, क्या क्या था, सारा डेटा आप मांग सकते थे। किसी भी सरकारी विभाग के किसी भी कार्यालय की आप सूचना मात्र 30 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते थे। ये सूचना आपको मिलती, अगर ना मिलती तो उस विभाग के द्वारा 30 दिन के अंदर सूचना ना मिलने पर आपको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, यानी कि आपको पैसा मिलता उस विभाग से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। देखिए इसमें क्या था और क्या बदला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आरटीआई एक्ट 2019 में जो संशोधन हुआ है, इसके अंतर्गत सेक्शन 13 और सेक्शन 16 के अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक प्राप्त कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सेक्शन 13 में पहले क्या था और सेक्शन 13 में अब क्या हो गया है, अभी हम आपको लिखित भी दिखाएंगे। सेक्शन 13 में पहले ये था, जिक्र था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होगा या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष पूरा होने तक होगा। मतलब इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को कोई भी हटा नहीं सकता था, यानी कि उनका जो पद था वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर था। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, अब जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल होगा वो मोदी सरकार पर निर्भर होगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार पर अब निर्भर करेगा, गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जो चाहेगी उस हिसाब से उनका कार्यकाल बनाएगी, ये कोई भी निश्चित नहीं रहेगा। दूसरी बात आपको बता दें उनकी सैलरी के बारे में, पहले यह सैलरी उनकी स्वतंत्र होती थी, सरकार के दबाव में नहीं होती थी और वो निष्पक्ष होकर के कार्य करते थे, चाहे वो सरकार के विरुद्ध हो चाहे सरकार के पक्ष में हो। लेकिन अब जो आरटीआई के अंतर्गत आपको सूचना मिलेगी, अगर उसमें कोई गवर्नमेंट का कुछ गड़बड़ होता दिखेगा केंद्र सरकार का, तो वो सूचना आपको कतई नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की जो सैलरी है वो केंद्र सरकार पर निर्भर करेगी। केंद्र सरकार अपनी सैलरी तय करेगी उनको कितना देना है। और आपको आगे बता दें, इस वीडियो में बने रहिएगा, भाग के मत जाइएगा, पूरा जानकारी आपको दिखाएंगे, पूरा फुल दिखाएंगे। सैलरी जो थी पहले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सैलरी जो थी पहले वो क्या थी, कितना थी, देखिए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की जो सैलरी थी उनमें से देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी, मुख्य सूचना आयुक्त की जो सैलरी थी वो निर्वाचन आयोग के बराबर थी। मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनके बराबर मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी थी, और जो सूचना आयुक्त की सैलरी थी वो निर्वाचन आयोग के आयुक्त के बराबर थी। पहले की ये बात है 2005 का जो आरटीआई एक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा क्या नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा क्या नुकसान है। तो आपको बता दें कि हमारा ये नुकसान है, पहले आप किसी भी सरकारी रिकॉर्ड देख सकते थे, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी 30 दिन के अंदर आपको मिलती थी, जवाब न दे पाने पर उस विभाग पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता था और आगे भी कार्रवाई होती थी। सूचना आयुक्त उस अधिकारी को आदेश देता था कि उसके विभाग में यानी कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मांगी गई है, उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराओ, उसको वो आदेश देता था, चाहे वो किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, और वो बिना किसी दबाव के उसको आदेश देता था और वो जानकारी उसको उपलब्ध होती थी आरटीआई को,
यानी कि जो मुख्य सूचना आयोग है वो जानकारी उनको मिलती थी, उसके बाद वो आपको जानकारी प्रोवाइड करते थे बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के पक्ष विपक्ष में। लेकिन अब क्या होगा, सूचना आयुक्त तो सरकारी दबावों से पहले मुक्त होती थी, अब ये सरकारी दबावों में बनी रहेगी। सूचना आयोग जो है अब सरकार के अंगुली पर नाचेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसका सारा सिस्टम सरकार पे निर्भर करेगा। पहले उसका सरकार से कोई मतलब नहीं होता था, जो जानकारी आप मांगते थे आपको मिलती थी। 5 वर्ष तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता था, चाहे तो प्रधानमंत्री हो चाहे तो कोई भी हो, 5 वर्ष तक उनको उनके कार्यकाल से नहीं हटा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्य सूचना आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के बराबर का दर्जा प्राप्त था, जिनको पहले, अब वह मोदी सरकार के हाथ में होंगे। जी हाँ बिल्कुल, मोदी सरकार में हाथ में, कहने का मतलब ये है कि जो भी केंद्र सरकार में होगा अब उसी का सब कुछ होगा। मतलब आप कोई भी सूचना अगर मांगते हैं जो कि सरकार के गले में अटक रहा है, मतलब सरकार का कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वो सूचना आपको कतई नहीं मिलेगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको सही सही जानकारी उपलब्ध कराया जाए कि आपसे सूचना का जो अधिकार था वो भी एक प्रकार से छीन लिया गया है। जी हाँ बिल्कुल छीन लिया गया है, क्योंकि आप सूचना मांगेंगे, अगर वो सरकारी कामकाज के उल्टे रहेगी, सरकारी कामकाज में कुछ गड़बड़ कुछ मतलब रहेगा, तो वो आपको सूचना कतई नहीं मिलेगी, उसमें काफ़ी कुछ हेरफेर हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, एक प्रकार से आरटीआई एक्ट को सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इसके बारे में अपने विचारों को अवश्य कमेंट करिएगा, और उन अंधभक्तों से हमारी विनम्र प्रार्थना है, कृपया वो कुछ भी उल्टा पुल्टा कमेंट ना करें, अन्यथा उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको देश में रहना है तो एक बार किसी की भी भक्ति करने से पहले सोचना है कि ये अधिकार आपको मिला हुआ था, जनता को मिला हुआ था। आप किसी भी सरकारी विभाग की कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। तो अब आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। हमने इसमें मोदी सरकार का बात क्यों किया, प्रधानमंत्री जी की मतलब बात क्यों किया, इसलिए बात किया क्योंकि इसमें जो सारा सिस्टम हुआ उसको वर्तमान सरकार ने ही किया और अपने ही लिए किया, क्योंकि ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। हर चीज़ जो सरकार के दायरे में नहीं थी पहले, सूचना का आयोग अलग था, स्वतंत्र था, उसको ऐसा क्यों खोखला किया गया, अपने विचारों को कमेंट करिएगा। चलते हैं, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, हर किसी को शेयर करें, सभी को जागरूक करें, और आप लोग अब सोकर उठ जाएं, भक्ति अंधभक्ति छोड़ करके देश के हित में कुछ ना कुछ अवश्य करें।